हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैकोरे टॉम डौ, जैकेब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और टॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, है जिससे उसकी मौत मौत हो जाती। है। एक हफ्ते बाद को लीडर को के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस में श्राइबर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रायन को अपनी पत्नी कितनी लेडी और के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर तेज पारकर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के सामने होने के एक का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस के वह अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक बॉडी से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और, और और को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवी मार से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकअ से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसे डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमिस ऑटो का पीछा करने के लिए ट्रक का कमान संभालता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट आईजा की रक्षा के लिए मोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फास्ट एंड फ्यूरियस दो है, किसके अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पे दिए डेनियल गैसे जस्टिन लिन स्टोरी दिए बोटेलो डेनियल गैसे बेस्ट उन, करेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉम्स पोडेज किए नील एच मॉरिटाज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जो रोथ की टाउन सेंट विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज टैसी गिबन लुडा ग्रीस ब्रिक्स जॉन केन नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिश शूटर शॉन्गकांग मिरेन कोर्डल कॉलियन चोनोग्राफी दिए स्टीफन एफ विंडोन एडिट की डेलन हाई स्मिथ के लिए मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिक दिए वेरियन टेलर प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉम एंटरटेनमेंट कृष्ण चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर ट्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटीडेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विंडेजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिप्सन एक पूर्व आदतन तेज पर्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल जो रूकर कविन में डिलन एल एलमेन के रूप में क्रटर रसेल मिस्टर नोबड्डी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैकोरे टॉम डौ, जैकब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और टॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस में ड्राइवर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवनावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी कितनी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा एडबर्ग में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक बॉडी से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में मेलर्टी और मी अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और तेजस बोशेबल टिकवी और और को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन स्ट्रोक की मां केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डोम को गिरफ्तार डोम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसेड डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है।, है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एजा की रक्षा नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था

एसजी वर्जन क्रिस लुडा ग्रीस, ग्रीस ब्रिक्स जॉन केन नथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टटर शोंग कांग हेल मिरन कोर्ट्रोसेल गोरलिया थरन जॉन ग्राफी डी स्टीफन एफ विंडोन एडिट की डेलन ने हाई श्मिट केली मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिकोडक्शनिजिनल फिल्म फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट कृष्ण चेंपू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रब्यूट की जून ट्वेंटीड और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड ट्वेंटी डॉल बॉक्स ऑफिस केवर्ड ट्वेंटी पॉइंट टू मिलियन डॉलर कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिब्सन एक पूर्व अद्यतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और, और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैक डिलन एल् एलमेन के रूप में क्रटरे मिस्टर नोबड्डी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी कर उन्नीस सौ उनासी में जैकब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके को मार डाला रही है। उन्हें पर टॉम का सम्मान होता है और जैक को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस दो हजार उन्नीस में शराइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवान हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी द लेडी और के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पहुंचते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटना ग्रस्त हो गया जैक के शामिल होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक बॉडी से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रहा पाते हैं रोमन और तेज सौर बॉशेबल टिकविक और लहू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन स्ट्रॉ की माँ केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैम डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक का प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा के लिए मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फाशन 2021 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पे दिए डेनियल गैसे बेस्ट कैरेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉमसोडेश नील एच मॉरिटाज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चेम्बन जो रोथ की लीटन टाउन सेंट सेंट स्टार दिए विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज एसजी वजन क्रिस लुडा ग्रिस ब्रिक्स जॉन केन नथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टटर शोंग कांग हेल मिरन कोर्ट्रोसेल कॉरलिया थरन जॉन ग्राफी डी स्टीफन एफ विंडोन एडिट किया डेलन ने हाई श्मिट केली मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिक दिया वेरियन टेलर प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट रोथ कृष्णा चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कीउथ को जून ट्वेंटीड और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस केलेक्शन सेवन हंड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू मिलियन डॉलर कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिब्सन एक पूर्व अद्यतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व के टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन में डिलन एल्स एलमेन के रूप में कॉटर सेल मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैक जैको डॉम जैकेब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके को मार डाला रही है। उन्हें पर का सम्मान होता है और को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस दो हजार उन्नीस में श्राइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवान हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी लेडी और टीज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पारकर और बोमन पियर स्टेज पार्कते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी भी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है। जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉशिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को अनिच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस विजय के अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में मेलर्ट और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रहन पाते हैं रोमन और तेजस मोशेबिलिटी क्विक के और ओर्हू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन स्ट्रोक की मां केविन से मिलते हैं जो उसे जैकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जैकब से होता है और टॉम ने टॉम डोम को गिरफ्तार डोम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसे से डॉम से शामिल हो जाते हैं जहां जैक, प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एजा की रक्षा के लिए मिस्टर द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फार्श एंडियर दोस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लीन स्क्रीन पर दिए डेनियल गैसे जस्टिन लीन स्टोरी दिए बोटेलो डेनियल बेस्ड ऑन कैरेक्टर ग्रे गैसेज किए नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी क्रिश्ना चैम्बन जोयन टाउन सेंट सेंट स्टार दिए विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज टैसी की भजन क्रिस लूडा ग्रिस ब्रिक्स जॉन केन नैथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टर श्रूक हेल, मिरेन कुर्तरोसेल कॉर्ली अथेरन सिनेमाग्राफी दिए स्टीपन एफ विंडन एडिट की डेलन हाई स्मिथ केली मोस्ट मोटो क्रेग्स डिय बेरियन टेलर प्रोडक्शन ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉ एंटरटेनमेंट रोथ कृष्ण चें डिट्रीट साउथ कोरिया जून ट्वेंटी स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में डीजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी। रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिब्सन एक पूर्व अद्यतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेश के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन में डिलन एल एलमेन के रूप में क्रटर रसेल मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैको डॉम डौ, जैकब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती। है। एक हफ्ते बाद को लीडर को मौत के उतारने के उतारने लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके को मार डाला रही है है टॉम का सम्मान होता है और को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस में श्राइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानवरत हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी कितनी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में स्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक का एक उपकरण हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉर्न ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक बॉडी से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रहन पाते हैं रोमन और तेज सौ बोशेबल के और लहू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन स्ट्रॉ की माँ केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त लेसा उसे बचाता है एडनबर्ग में तेज रोमन और रैम से डॉम से शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एजा की रक्षा किलोमीटर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में एंड एंडियर इक्कीस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पर दिए डेनियल गैसे नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जोयन टाउन सेंट सेंट स्ट्रेंट दिए विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज ऐसे गिवर क्रिस लुडा क्रिस ब्रिक्स जॉन केन, नथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टटर श्रोंगकांग हेल मिरन कोर्ट्रोसेल गोरली एथेन जोग्राफी दिया स्टीफन एफ विंडन एडिट किया डेलन हाई श्मिट के लिए मोस्ट मोटो क्रिक्स वेरियन टेलर प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग एंटरटेनमेंट रोथ कृष्णा चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्सलिक्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटी स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस केवड्रेड ट्वेंटी पॉइंट टू मिलियन डॉलर चलिए फिर मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विन डीजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टेरेस गिब्सन एक पूर्व आदतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेश के रूप में नथाली इमेनुअल 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 मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉन ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन में डिलन एल एलमेन के रूप में मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैको डॉम डौ, जैकब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके को मार डाला रही है है टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है दो हजार उन्नीस में स्ट्राइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवान हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी कितनी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर्स तेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में स्टर के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक का एक उपकरण हिस्सा मिलता है जो किसी भी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस विजय के अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा एडबर्ग में है टॉम टौ, अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और मियाँ अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और तेज सौ बोशेबल टिकविक और लहू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन रॉकी मां केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडनबर्ग में तेज रोमन और रैम से डॉम से शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट आईजा की रक्षा के लिए मिस्टर डोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फास्ट एंड फियर दोस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लीन स्क्रीन पे दिए डेनियल सर जस्टिन लीन स्टोरी दिए बोटेलो डेनियल गैसे नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जोयन टॉन सेंट जीच्ट सेंट स्टार दिए विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज डायसी गिब्रीस लुडा लुडाग्रिस, ब्रिक्स जॉन केन नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिश स्वेटर शुंगकांग हेल मिरेन कोर्थल कॉर्लीफी दिए स्टीफन एफ विंडोन एडिट किए डेलन ने हाई स्मित्ली मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिक दिया वेरियन टेलर प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट रोथ कृष्णा चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्सलिक्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटी स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड्रेड ट्वेंटी पॉइंट टू मिलियन डॉलर चलिए फिर मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विन डीजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टेरेस गिब्सन एक पूर्व आदतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमस के रूप में नथाली इमेनुअल 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 मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉन ल्यूंग के रूप में शुग कॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैक डिलन एल्स एलमेन के रूप में कॉटरे मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन रहे हैं उन्नीस सौ उनासी में जैक जैको डॉम जैकेब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके को मार डाला रही है है का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है दो हजार उन्नीस में स्ट्राइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवनावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी कितनी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर्स तेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में स्टर के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के एक का एहसास होने के बाद टॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी भी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकेब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और तेज सौ क्विक टिकवी के और लहू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन रॉकी मां केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैम डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक का प्रोजेक्ट एरीज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमिश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एजा की रक्षा अच्छा के लिए मिस्टर द्वारा उन्हें सौंपा गया था

डायसी गिबन क्रिस लुडा ग्रीस, ग्रीस ब्रिक्स जॉन केन, नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिश श्वेटर हेल हेल्ड मिरेन कोर्डल कॉलियन सोनोग्राफी दिए स्टीफन एफ विंडोन एडिट कि डेलन हाई स्मिथ केली मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिक वेरियन टेलर प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट रोथ कृष्ण चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटल पिक्चर ट्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटीड स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन बॉस ऑफिस कलेक्शन है सेवन हंड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू मिलियन डॉलर चलिए फिर मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विन डीजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिब्सन एक पूर्व आदतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल 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 मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पुरुक की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉन ल्यूंग के रूप में शुग कॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैक डिलन के रूप में रेसल मिस्टर नोब्डी के रूप में चार्लिस में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैको डॉम जैकेब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके को मार डाला रही है है पर का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है दो हजार उन्नीस में शराइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानवर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी कितनी लेडी और टीज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर तेज पारकर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में स्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के सामने होने के एक का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैक के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को अनिच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस विजय के अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा में है टॉम टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और तेज सौ बोशेवल और लहू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन रॉकी मां केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैम से डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरीज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमस ऑटो का पीछा करने के लिए ट्रक का कमान संभालता है जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा के लिए मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फाश एंड हज़ार दोस्त के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पर दिए डेनियल गैसे नील एच मॉरिटाज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी क्रिस्ना चैम्बन जोरोन टाउन सेंट सेंट स्ट दिए विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज डायसी गिबन क्रिस लुडा ग्रीस, ग्रीस ब्रिक्स जॉन केन, नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिश शूटर शुक हिर कोर्थल कॉर्लीफी दिए स्टीफन एफ विंडोन एडिट किंग डेल ने हाई स्मिथ केली मोस्ट मोटो क्रिक्स म्यूजिक दिए वेरियंट टेलर प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट रोथ कृष्ण चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटल पिक्चर ट्वेंटी जून ट्वेंटीडेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है सेवन हंड्रेड्रेड्रेड्रेड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू मिलियन डॉलर के के कास्ट बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में मिशेल विंडेजल टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिप्सन एक पूर्व अद्यतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पुरुक की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉन ल्यूंग के रूप में शुग कॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैग डिलन एल एलमेनेश के रूप में क्रटरे मिस्टर नोब्डी के रूप में चार्लिस सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैको डॉम डौ, जैकब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन्हें पर का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है दो हजार उन्नीस में शराइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानवरत हो गया और अपने बेटे ब्रायन को अपनी कितनी लेडी और टीज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर तेज पारकर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में स्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के सामने होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज़ नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है सीफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा में है टॉम टौ, अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में ले और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित पाते हैं रोमन और, है और और को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और मां मार से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसे डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हॉन के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा के लिए मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में एंड फ्यूरियस दो हजार अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पर दिए डेनियल गैसे बेस्ट ऑन कैरेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉम्सर फोडेज किए नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बनू जो रोथ की माइकल रोड ग्रीज डायसी गिबन क्रिस लुडा ग्रिस ब्रिक्स जॉन केन, नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिटूटर शुक हेल्ड मिरेन कोर्थल कॉर्लीफी दिए स्टीफन एफ विंडोन एडिट किए डैलन ने हाई स्मिथ के लिए मोस्ट मोटो क्रिक्स डेरो दिए वेरियंट टेलर प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट इंटरटेनमेंट रोथ कृष्ण चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटल पिक्चर रिलेटेड ट्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटीड स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है सेवन हंड ट्वेंटी पॉइंट टू मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमेटिक टोरेटा के रूप में विंड डीजल मिशेल रेडर के टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टेरेस गिबसन एक पूर्व अध्यतन तेज पार करके रूप में क्रिस जॉन रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल 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 मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पुरुक की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैग डिलन एल एलमेनेशॉ के रूप में कर्टरे मिस्टर नॉब्डी के रूप में चार्लिस सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैकब टो, और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है। उन्हें पर का सम्मान होता है और जैक को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है दो हजार उन्नीस में शराइबर आतंकवादी शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानवरत हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी नी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिश स्टर्नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने, एक होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल एस्टॉसिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है सीफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधार हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टौ, अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में ले और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और, है और और को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम कार्ड और ओवी मार से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसेड डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमस ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डंडोम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा किलोमीटर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फार दो इक्कीस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पर दिए डेनियल स्टोरी दिए ली बोटेलो डेनियल गैसे बेस्ट कैरेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉम्पर फोडेज किए नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जोयन टाउन सेंट समाथन विनसेंट स्ट दिए विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज टैसी गिबन क्रिस लुडा ग्रीस, ग्रीस ब्रिक्स जॉन केन, नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिश शूटर शेल मिरेन कोर्थल कॉर्लीफी दिए स्टीफन एफ विंडो एडिट किए डेलन ने हाई स्मिथ के लिए मोस्ट मोटो क्रेग्स डेरो वेरियंट टेलर प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉम इंटरटेनमेंट रोथ क्रिश्न चेम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्सलिक्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटीड स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका है टू हंड्रेड से टू हंड ट्वेंटी मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है चलिए फिर मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विन डीजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टेरेस गिप्शन एक पूर्व आदतन तेज पार करके रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल 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 मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन में डिलन एल एलमेन के रूप में क्रटरे मिस्टर नॉब्डी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैकब डौ, और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस सौ में ड्राइवर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी नी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पहुंचते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नॉबॉडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी भी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है, जो उपकरण चुरा लेता है माइकल एस्टॉशिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है सीफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में मिलर्ट और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रहन पाते हैं रोमन और तेजस मोसिबिलिटी क्विक के और ओर्हू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन स्ट्रोक की मां केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जैकब से होता है और टॉम ने टॉम डोम को गिरफ्तार डोम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसे डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेंस ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान सफलता है डॉम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा के लिए मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में एंड फ्यो दो इक्कीस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पर दिए डेनियल गैसे ऑन कैरेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉम्स फोडेज किए नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चेम्बन जो रोथ की विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज एसजी वर्जन क्रिस लूडा क्रिस ब्रिक्स जॉन केन, नथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टटर शोंग कांग हेल मिरन कोर्ट्रोसेल गोरलिया थरन जियोग्राफी दिया स्टीफन एफ विंडोन एडिट की डेलन हाई श्मिट के लिए मोस्ट मोटो क्रेग्स डियर म्यूजिक दिए वेरियंट टेलर प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन फिल्म परफेक्ट इंटरटेनमेंट रोट कृष्ण चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिवर्सल पिक्चर ट्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटी स्टेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है चलिए फिर मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विन डीजल मिशेल रेड्रिग टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टेरेस गिप्शन एक पूर्व आदतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल 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 मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैक डिलन एल एलमेन के रूप में कर्टरे मिस्टर नोबड्डी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी करें उन्नीस सौ उनासी में जैकोरे जैकेब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और टॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस सौ दो हज़ार उन्नीस में ड्राइवर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी लेडी लेडीज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पारकर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के एक एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट एरिज नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी जी भी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकब के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है। जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉशिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉर्न ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस के जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में ले और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और तेज को और और भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम कार्ड और ओवेन ट्रॉ की केविन से मिलते हैं जो उसे जेकअप का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकअ से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसे डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमिस ऑटो का पीछा करने के लिए ट्रक का कमान संभालता है डंडोम जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा खिल्मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फिर कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फार्शन फ्यो दो इक्कीस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पर दिए डेनियल गैस जस्टिन लिन स्टोरी दिए बोटेलो डेनियल गैस कैरेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉम्स पोडेज किए नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जो रोथ की टाउन विन डीजल माइकल रॉड ग्रीश टैसी गिबन क्रिस ब्रिक्स जॉन केन नेथेली इमेनुअल जॉर्डन हेल, मिरन शॉन्गकांग मिरे कोर्थ्रोसल कॉर्लीफी दिए स्टीफन एफ विंडन एडिट किए डेलन हाई स्मिथ के लिए मोस्ट मोटो क्रिग्स डियर म्यूजिक दिए वेरियंट टेलर प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉम एंटरटेनमेंट रोथ कृष्ण चिमपू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रब्यूटिवर्सल पिक्चर ट्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटीड और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विंडेजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन पियर्स के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिप्सन एक पूर्व आदतन तेज पार के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन मैक डिलन एल्स एलमेन के रूप में क्रटरे मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैकब डौ, और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और टॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस में श्राइबर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रायन को अपनी पत्नी कितनी लेडी और के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर तेज पारकर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका अम्री... के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के सामने होने के एक का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस के वह अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक बॉडी से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में डी और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और तेज सोन और टिक को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन ट्रो की केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसे डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमिस ऑटो का पीछा करने के लिए ट्रक का कमान संभालता है जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट आईजा की रक्षा के लिए मोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फास्ट एंड फ्यूरियस दो है, किसके अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पे दिए डेनियल गैसे जस्टिन लिन स्टोरी दिए बोटेलो डेनियल गैसे बेस्ट कैरेक्टर बाई ग्रे स्कूट थॉम्स पोडेज किए नील एच मॉरिटाज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जो रोथ की टाउन सेंट विन डीजल माइकल रॉड ग्रीज टैसी गिबन लुडा क्रिस ब्रिक्स जॉन केन नेथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिश शूटर शॉन्कांग मिरे कोर्डल कॉलिथेर चोटोग्राफी दिए स्टीफन एफ विंडोन एडिट की डेलन हाई स्मिथ के लिए मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिकोडक्शनिजिनल फिल्म फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉम एंटरटेनमेंट कृष्ण चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रब्यूटर्सलिक्वेंटी साउथ कोरिया जून ट्वेंटीडेट और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फिल्स मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विंडेजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिप्सन एक पूर्व आदतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व की टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल जो रूकर कविन में डिलन एल एलमेन के रूप में क्रटर रसेल मिस्टर नोबड्डी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी हैं उन्नीस सौ उनासी में जैकोरे डॉम डौ, जैकेब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और टॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकर निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस में श्राइबर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवनावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी कितनी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पूछते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैकब के शामिल होने के एक का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता है जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉर्सिक टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच जैकब अपने सहयोगी और फाइनेंशियल ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में ले और अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रह पाते हैं रोमन और, और और को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवी केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैमसेड डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरिज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्रक का मान सफलता है।, है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एजा की रक्षा खिल्मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में फार्श एंडियर दोस के अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पे दिए डेनियल सर जस्टिन लिन स्टोरी दिए बोटेलो डेनियल गैसे नील एच मॉरिटज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चैम्बन जो रोथ की माइकल रॉड ग्रीज एसजी वजन क्रिस लुडा ग्रीस, ग्रीस ब्रिक्स जॉन केन नथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टटर शोंग कांग हेल मिरन कोर्ट्रोसेल गोरलियथ एरन जोंगराफिया डी स्टीफन एफ विंडोन एडिट की डेलन ने हाई श्मिट केली मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिकोडक्शनिजिनल फिल्म फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट कृष्ण चिमपू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रबूट की जून ट्वेंटीड और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड ट्वेंटी डॉल बॉक्स ऑफिस केवर्ड ट्वेंटी पॉइंट टू मिलियन डॉलर कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिब्सन एक पूर्व अद्यतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेस के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व के टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन में डिलन एल्स एलमेन के रूप में कॉटरे मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सफर सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन मूवी कर उन्नीस सौ उनासी में जैकब और मिया के पिता एक देर से मॉडल की दौड़ में भाग लेते हैं उनके बेटे पीट क्रू में काम करते हैं और डॉम अपनी गंदी रणनीति के बारे में प्रतिदि रेशन केनी लीडर के साथ बहस करता है दौड़ के दौरान लीडर की कार जैक के पंबर को क्लिप करती है जिसकी जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद डॉम को लीडर को लगभग मौत के घाट उतारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया अपनी सजा काटने के दौरान वह याद करते हैं कि जैकब ने उनके पिता की कार पर काम किया था जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई और निकर्षक निकल निकाला कि जैकब ने अपने उनके पिता को मार डाला रही है उन पर टॉम का सम्मान होता है और जैकब को एक दौड़ के लिए चुनौती देता है जब वह हार जाता है तो शहर छोड़ने के लिए मजबूर करता है उन्नीस में स्ट्राइबर आतंकवादी शिफर शिफर के खिलाफ टकराव के दो साल बाद टॉम सेवानावर्त हो गया और अपने बेटे ब्रयान को अपनी पत्नी द नी लेडी ऑर्टिज के साथ बड़ा कर रहा है रोमन पियर स्टेज पार्कर और रेम्स इस खबर के साथ पहुंचते हैं कि सीफर को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद मिस्टर नोबडी के विमान पर दुष्ट एजेंटों ने हमला किया जिन्होंने सीफर का अपहरण कर लिया और मध्य अमेरिका के मोटे क्विट में दुर्घटना ग्रस्त हो गया जैक के शामिल होने के का एहसास होने के बाद डॉम उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है विमान की तलाशी लेने पर उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक उपकरण का हिस्सा मिलता है जो किसी कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम को हैक कर सकता है तब टीम पर जैकअप के नेतृत्व में एक निजी सेना द्वारा हमला किया जाता जो उपकरण चुरा लेता है माइकल स्टॉस टॉम का चालक दल को उनके सुरक्षित घर में भागने में मदद करता है टॉम की बहन मिया मदद के लिए आती है और टॉम को इच्छा से उसे उनके साथ जोड़ने की अनुमति देता है टीम को पता चलता है कि हॉन ल्यू प्रोजेक्ट एरिस से जुड़ा है और लैटी और मिया जांच करने के लिए टोक्यो जाते हैं इस बीच के अपने सहयोगी और ऑटो से मिलता है शिफर जिसे उनके साथ आधार पर रखा जा रहा है जैकब को बताता है कि मेष राशि का दूसरा आधा हिस्सा डेनबर्ग में है टॉम टौ, टॉम अपने पिता के पूर्व मैकेनिक बॉडी से मिलता है जो अपने निवासन के बाद जैकब को ले गया और उसे पता चला कि जैकब लंदन में है टोक्यो में में और मिया अपने वार्ड एले के साथ एक अभी भी जीवित रहा पाते हैं रोमन और तेज सौन बॉशेबल टिकविक और लहू को भर्ती करते हैं जो एक रॉकेट कार पर काम कर रहे हैं लंदन में टॉम डेकार्ड और ओवेन स्ट्रॉ की माँ केविन से मिलते हैं जो उसे जेकब का स्थान देता है टॉम का सम्मान ऑटो और जेकब से होता है और टॉम ने टॉम डॉम को गिरफ्तार डॉम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन डॉम का एक पुराना दोस्त ले उसे बचाता है एडिनबर्ग में तेज रोमन और रैम डॉम से मिल शामिल हो जाते हैं जहां जैक जैक प्रोजेक्ट एरीज डिवाइस से दूसरे आधे हिस्से को चुराने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहा है तेज और रोमन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रक को ढूंढते हैं जैसे ही वे ऑटो के आदमियों से लड़ते हैं रेमेश ऑटो का पीछा करने के लिए ट्र ट्र ट्रक का मान संभालता है जेकब को रोकता है और दोनों शहर में भर भर में लड़ते हैं इससे पहले कि ऑटो जैकब को निकाल सके रेमर सड़क में अपनी कार चल, चलाता है और जैकब का पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करता है सुरक्षित घर में हान के खुलासा किया कि एले और प्रोजेक्ट एरिजा की रक्षा के लिए मिस्टर नोबड़ी द्वारा उन्हें सौंपा गया था चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के बारे में फाशन फिर की अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जस्टिन लिन स्क्रीन पे दिए डेनियल गैसे बेस्ट कैरेक्टर बाई ग्रेस्कुट थॉमसर फोडेज किए नील एच मॉरिटाज विन डीजल जस्टिन लिन जेफरी कृष्णा चेम्बन जो रोथ की रॉड ग्रीज एसजी वजन क्रिस लुडा ग्रिस ब्रिक्स जॉन केन नथेली इमेनुअल जॉर्डन ब्रिस्टटर शोंग कांग हेल मिरन कोर्ट्रोसेल कॉरलिया थरन जॉन ग्राफी डी स्टीफन एफ विंडोन एडिट किया डेलन ने हाई श्मिट केली मोस्ट मोटो क्रिक्स डियर म्यूजिक दिया बेरियन टेलर प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म परफेक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरटेनमेंट रोथ कृष्णा चिम्पू फिल्म चीना चाइना फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कीउथ को जून ट्वेंटीड और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस केलेक्शन सेवन हंड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू मिलियन डॉलर कास्ट के बारे में जान लेते हैं डोमिटिक टोरेटा के रूप में विंडेजल मिशेल रेड्रिग और टॉम की पत्नी रोमन के रूप में रोमन पियर्स के रूप में टैरिस गिब्सन एक पूर्व अद्यतन तेज पार्कर के रूप में क्रिस जॉनसिना रेमेश के रूप में नथाली इमेनुअल मिया टोरेटा डॉम और जेकब की बहन और पूर्व के टीम सदस्य के रूप में जॉर्डन बुस्टर हॉर्न ल्यूंग के रूप में, में शुंगकॉन्ग बड्डी के रूप में माइकल रूकर कविन में डिलन एल्स एलमेन के रूप में कॉटर सेल मिस्टर नोबडी के रूप में चार्लिस सीफर के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो